अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सर अजीम अंसारी। मैं आपके लिए आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है टाइगर फोर्स के हवाले से। और जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, इसमें मैंने देखा एक बाबा जी जो इन लड़कों के साथ खड़े हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं कि ये इन लड़कों के साथ क्यों हैं। बाकी सारे जवान हैं, लेकिन ये बाबा जी बूढ़ी उम्र में आके इनका साथ दे रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इनके क्या ख्याल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं टाइगर फोर्स यूसी 12 जगरा के इन नौजवानों को सलामी अकीदत पेश करता हूं कि जिन्होंने आज अपने उन नौनहालाने कौम जो हसूल तलीम के लिए गए और घर वापस ना आए, आज का दिन तुलबा के लिए एक स्याह तरीन दिन है कि जिस दिन के मौके पे हमारे एपीएस स्कूल के तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन तलबा को जो इल्म की रोशनी से अपने सीनों को मुनव्वर करने के लिए मुल्क व कौम की खिदमत के लिए अपनी दरसगाह में गए थे, बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। उनकी याद को ये ताज़ा कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये नौजवान कोरोना में, जब हर तरफ कोरोना था, तो ये दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए मसरूफ अमल में थे। मुझे इनका एक वाक्य याद आ रहा है। सियालकोट रोड पे एक बूढ़ा शख्स गिरा पड़ा था, बेयारों मददगार, उसको उठाने वाला कोई नहीं था। तो यूसी 12 के ये टाइगर फोर्स के नौजवान अपने शेड्यूल के मुताबिक अवामी खिदमत के जज्बे को लिए हुए, जो कि बेलौस है, इंसानी खिदमत जो है इसको ये बात समझ के कर रहे हैं, जा रहे थे, उस बूढ़े आदमी को उठाया, उसके इलाज माल जा करवा के उसके घर पहुंचाया। मुझे ये देखकर बहुत इन पे खुशी हुई कि ये नौजवान आज भी जज्बा खिदमत से सरशार है। तो ये इंसानी खिदमत के जज्बे से ममूर है। और इसके साथ साथ जो हमारे एसओपीस के दौर में बहुत सी दुकानों के ऊपर ये लोग आए, यहाँ तक कि ये हमारा आस्ताना है, उससे पास की तकरीब में भी ये लोग एसओपीस के अमल दरामद करवाने के लिए मास्क लेकर आए। और जितने जायरीन हमारे आस्ताना आलिया हजरत पीर बाबा मोर्चा सरकार, जो कि जगना यूसी 12 बल्कि गुजरा वाला ही नहीं पूरी दुनिया में आपके आस्ताने का मकाम है, अकीदतमंदों को इन्होंने मास्क पेश किए और अजहारे हमदर्दी किया। उस दिन से लेकर आज तक मुझे इन नौजवानों से मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है कि ये इंसानी जज्बे से सरशार नौजवान है, बेलौस मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन नौजवानों की उम्र में, इल्म में, रिस्क में, फयूज़ बरकात में बरकत अता फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने की इन्हें मजीद हिम्मत अता फरमाए। मुझे सबसे बढ़कर जो खुशी है कि ये नौजवान पाक फौज के शाना बशाना है। पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज। बाबा जी, आप इस टाइगर फोर्स के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं कि इसके अलावा जो बाकी तंजीमें हैं उसके लिए भी एक्साइटेड हैं? टाइगर फोर्स के लिए भी एक्साइटेड हैं और जो तंजीमें मुल्क और कौम के लिए इंसानी जज्बे से सरशार हैं उनके लिए भी दुआ गो हैं। और उनके साथ भी हम इस नाते से हजारों कौमें वजूद में आई, खुशकुतार के रिश्ते से हमने बुनियाद दोस्ती रखी है, याद खैरुल बशर के रिश्ते से। तो करीम आका की जो याद है, जो करीम आका का हमें हुक्म है, उसमें दुख इंसानियत की जो खिदमत है वो सबसे बड़ी इबादत है। जो तंजीमें दुख इंसानियत की खिदमत में मसरूफ है उन सबको हम जो है वो अपने आस्थाने की तरफ से प्यार मोहब्बत जो है वो देंगे। नाज़रीन, ये थे बाबा जी। नाज़रीन, ये थे बाबा ज़ुबैर हसन साहब, जो के टाइगर फोर्स के जवानों को देखकर इतने एक्साइटेड हो गए। इनका कहना है कि मुझे जवानी याद आ गई कि मैं भी जवानी में लोगों की खिदमत करता था और जो ये काम कर रहे हैं ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो तंजीमें दूसरी
फलाह वका के लिए काम कर रही हैं, मुझे तो उनके साथ भी मोहब्बत है और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है उन लोगों से मोहब्बत है। तो अगर ऐसे लोग हमारे अंदर और शामिल हो जाए, हमारे साथ और जुड़ जाए, इंशाल्लाह हमारा वतन तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ميلادك لزرت ميت الفل ثمرت مبارك سلم يا الهي کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، بالخصوص وہ شہداء شہداء پاکستان جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر یہ ملک پاکستان ہمیں دیا، ان شہداء کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا الہی۔ وہ شہداء جو کرونا میں اس ملک و قوم کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دے گئے، ڈاکٹر صاحبان، پاک فوج کے نوجوان، پنجاب پولیس کے نوجوان، ٹائیگر فورس کے نوجوان، جو کرونا مرض میں اس عوام کی خدمت میں جذبہ خدمت سے سرشار اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ہم میں نہیں رہے، ان کے روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوص بالخصوص وہ ننی کلیاں، وہ ننے نوجوان جو ہمارے اس ملک پاکستان کا سرمایہ تھے، جنہوں نے اس ملک پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی تھی، اے پی سی اب اے پی ایس سکول میں جو حصول تعلیم کے لیے گئے تو وہاں دہشت گردوں نے انہیں دہشت کا نشانہ بنایا اور انہوں نے اس ملک و قوم کی خاطر جامع شہادت نوش فرمایا۔ ان شہداء کے خون کا صدقہ، وہ معصوم شہداء تھے، ان کے یا الہی درجات بلند کرتے ہوئے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا الہی اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے تعلیمی اداروں کو، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ ٹائیگر فورس یو سی 12 کے نوجوان جو دین متین کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے جذبہ خدمت سے سرشار ہیں، یا الہی ان کی حفاظت فرما، یا الہی ان کے یہ جو کاج لے کر نکلے ہیں اس کاج میں انہیں کامیابی سے ہمکنار فرما، جتنے دوست دامے دن میں سکرے ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں، یا الہی تو سب کی سرپرستی فرما اور سب کے مال جان اولاد و خیر عمر کا نازل فرما، اس علاقے کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی خیر فرما اور ہر لمحہ کی رحمت ہم سب کے سامنے حال فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر خلقہ محمد۔ ایک منٹ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تقولوا لمن یکتو فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ حضرات گرامی، آج کا دن وہ دن ہے جس دن کے اندر عالمی آرمی پبلک سکول کے ہونہار طلباء کو بے دردی سے شہید کیا گیا، تو ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ٹائیگر فورس یو سی 12 جگنا کے نوجوانوں نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شہدائے آرمی پبلک سکول کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کے والدین کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کے بلند حوصلوں کو سلوٹ کرنے کے لیے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کا یہ دعائیہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان شہداء کے خون کا صدقہ ہمارے نوجوان بچوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو ان والدین کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ جن کے جوانوں نے اپنے فخر سے اس قوم کے سر بلند کیے ہیں اور آج ہر گھر میں آرمی پبلک سکول کا بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ آج ہر گھر میں، ہر سکول میں، ہر مدرسے میں بچہ پیدا ہو چکا ہے جو ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں اور پاک فوج کے ان والدین کو سلام پیش کرتے ہیں جن کے جوانوں نے، بچوں نے آج کے دن جامع شہادت نوش کر کے اس ملک پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، پاک فوج کا سر فخر سے بلند کیا۔ تو اب ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے۔
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौम الدين इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन इहदिन सिरात मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीन अन'अमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بيداد كل حضرت ميتا الف الف مرات وبارك وسلم يا الهي كريم باركا صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما کریم باركا کے وسیلے سے کریم باركا کی ساری امت کی مغفرت فرما کریم باركا کے وسیلے سے شہداء پاکستان جنہوں نے حصول پاکستان کے لیے قربانیاں دی یا الہی ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کے درجات بلند فرما خصوص بالخصوص हमारे मुल्क कौम के वो दर्शिंदा सितारे वो गुलशन पाकिस्तान के फूल जिन्होंने अपनी खुशबू से मुल्क पाकिस्तान की फजाओं को मुअत्तर करना था इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान को जामे शहादत नोश करने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में तैयार करना था इस मुल्क पाकिस्तान की सरहदों के लिए अपने आप को पेश करने का अहद करना था वो नौनहारे चमन वो हमारे गुलशन के फूल दहशतगर्दी का निशाना बने या इलाही वो तो पहले ही गुनाहों से पाक थे उनके दर्जात बुलंद फरमा और उनके खून के सदके उनके वालदैन ने जो सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा किया उनको इज्जत से मौला की माँ उनके इलम में रिजक में वालदैन ने जो सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा किया और शहादत के मरतबे को कबूल किया मुल्के कौम के लिए या इलाही उनकी हिफाजत फरमा मुल्के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा या इलाही कोरोना मरज से आलम इस्लाम को बिलखसूस पाकिस्तान को महफूज फरमा और ये टाइगर फोर्स के नौजवान यूसी 12 से जो के खिदमत खलक के जज्बा से सरशार है करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर ये महज अल्लाह और उसके रसूल की रजा को लिए हुए और अहबारा की खिदमत खलक के जज्बे से सरशार दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ है इन नौजवानों की हिफाजत फरमा और इनके इल्म में उम्र में रिस्क में फयूज और बरकत में तारो अफियत अता फरमा और हमारे मीडिया के नौजवान जो इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और इस मुल्क पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे के लिए मजलूमियत के खात्मे के लिए और इस मुल्क पाकिस्तान में इंसानियत का जज्बा रखते हुए जहां जुल्म हो रहा हो वहां जाकर खड़े होते हैं या इलाही हमारे मीडिया के नौजवानों की भी हिफाजत फरमा या इलाही हमारे मीडिया के नौजवानों की भी हिफाजत फरमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मुहम्मद व आलिहि व सहाबी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सर अज़ीम अंसारी। मैं आज आपको मुलाकात करवाने लगा हूं टाइगर फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट तलहा साहब से। ये आज आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से ब्लैक डे मना रहे थे तो मैंने कहा चलो इनसे बात करके पूछते हैं कि इनका टाइगर फोर्स और आर्मी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे थे उनके हवाले से इनके क्या ख्याल आते हैं। जी तलहा साहब, आपके क्या ख्याल आते हैं, आपने कैसे टाइगर फोर्स ज्वाइन की और आपको कैसा महसूस हो रहा है टाइगर फोर्स ज्वाइन करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, ख़ास तौर पे कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैंने टाइगर फोर्स ज्वाइन की अल्लाह की रज़ा के लिए, मैंने मतलब किसी पार्टी से मेरा कोई तल्लक नहीं है, मैंने ये अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया। हम मसलसल 9 माह हो गए हैं अपनी टीम के साथ, रोज़ाना निकल रहे हैं तो कभी माशाल्लाह जी आगे बाबा जी बोल रहे थे कि ये खिदमत खलक, वो बाबा जी वाली बात कर रहे थे तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ासतौर पे आपका कि आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ पे खड़ा किया। मैंने बेटा का फोर्स ज्वाइन अगर की है तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये ज्वाइन की है। हमारा मकसद है कि अल्लाह को खुश करना, हमें ना इसमें सैलरी चाहिए ना हमें इसमें से कुछ चाहिए,
अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की रज़ा के लिए निकले हैं। तो रही बात, ये आपने बात की थी कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल की, तो वो भी भाई हमारी तरह थे, हमारे छोटे भाइयों की तरह थे। माँ को नहीं पता था कि वो वापस लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, उन्होंने स्कूल भेज दिया था। तो उस दिन जो हादसा हुआ है वो क़यामत तक मेरे अंदाजे से नहीं भूला जा सकता। तो उस दिन कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। तो कहने को तो लोग कहते हैं कि ये ब्लैक डे नहीं है, देखा जाए तो यही ब्लैक डे बनता है दुनिया का। तो वो हमारा मुस्तकबिल थे लोग, वो हमारा रोशन थे कि आगे बढ़ के कोई आर्मी ऑफिसर कोई हमारा मुस्तकबिल बनना था। लेकिन उन दहशतगर्दों ने अपना जो काम किया उससे हमारे हौसले बुलंद हुए हैं। ये मेरे जितने भी टाइगर फोर्स भाई हैं पाकिस्तान के, ये नहीं कि हम गुजरांवाले के, पूरे पाकिस्तान के, उनका यही जज्बा है कि हमें भी शहादत नसीब हो। हम शहादत के लिए निकले हैं इंशाल्लाह। कोई दहशतगर्द या कोई हमें उस तरह का हुआ तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। और जो उन्होंने उस दिन दहशतगर्दों ने किया उससे हमारे नौजवानों के वो ज़्यादा से ज़्यादा उभर गए, हौसले बुलंद हो गए। तो इंसानी खिदमत जो मेरे भाई हैं उनका जो इंसानी खिदमत का जज्बा है वो ज़्यादा बन गया, उनका मिशन बन गया कि अब अगर हमने दुनिया में रहना है अपने कामों के साथ साथ अल्लाह को भी राज़ी करना है। तलहा साहब, आप इसके अलावा और भी कोई तंजीमें आपने ज्वाइन की? नहीं नहीं, इसके अलावा हमारा किसी किस्म की तंजीम से कोई रिलेटेड नहीं है। आप सिर्फ टाइगर फोर्स के? तो आपने टाइगर फोर्स में ऐसा क्या देखा जो इसको ज्वाइन किया? टाइगर फोर्स जो है ना, ये स्टार्टिंग से ही खिदमत खलक में लगी है ना इन्होंने। ये तो इनका मंशूर है ना खिदमत खलक, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने इसके लिए क्या किया? आपने इसके अंदर कोई तब्दीली लाई जो इनके मंशूर थे उसमें कोई तब्दीली लाने की कोशिश की? जी हम ये रोज़ाना की बुनियाद पे निकलते तो हैं, तो रोज़ाना मेरे साथ लड़के मेरे जो टीम वर्कर है बहुत अच्छी मेरी टीम है, अल्लाह उनको सलामत रखे। हम रोज़ाना निकलते हैं, मेरे साथ वो शाना बशाना खड़े होते हैं। हम उनमें तब्दीली यही है कि जो हम खिदमत खलक के साथ साथ हम ये अपना क्या कहते हैं दुनियावी फ़र्क पड़ा? जी बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। आगे आप भी जानते हैं कि 120 रुपये किलो तक चीनी चले गई थी, लेकिन अभी वो 85-90 रुपए तक मिल रही है। तो यही बात है कि यही जज्बे के साथ निकले कि पाकिस्तान को संवारना है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जी नाज़रीन, ये थे तलहा साहब वाइस प्रेसिडेंट यूसी 12 के। तो ये हमें बता रहे थे कि हमारी कोशिश जो होती है ना खिदमत खलक की होती है, और सिर्फ मकसद यही है कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत करें और इनके लिए कुछ ना कुछ करें। जैसे इन्होंने बताया कि चीनी का रेट 120 रुपये तक चला गया था, लेकिन उसको हमारी कोशिश की वजह से 183 रुपये आ गया है। तो इनकी ये कोशिश है 183 नहीं सिर्फ 83 रुपये। जी नाज़रीन, ये थे आपके सामने तलहा अर्शद साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूसी 12 के। ये हमें बता रहे थे कि मेरा और मेरी टीम का जज्बा सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत करना है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। मुझे और कोई टीम अच्छी नहीं लगी, ना ही कोई तंजीम अच्छी लगी कि मैं उनके साथ ज्वाइनिंग करूं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क की खिदमत के लिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि चीनी 120 रुपए हो गई थी, हमने कोशिश की, हमने टीम वर्क किया और चीनी इस वक्त 83 रुपए किलो आ गई। तो इंशाल्लाह बाकी भी मज़ीद चीज़ें काम होगी और इंशाल्लाह मुल्क हमारा तरक्की की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया तलहा साहब।